हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं सीए विकास शर्मा आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सीए विकास शर्मा पर। आज मैं लाया हूं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज। जी हां, जीएसटी की तरफ से अपडेट आ गया है आपके GSTR 4 एनुअल रिटर्न के लिए, जो कि एप्लीकेबल होती है कंपोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा GSTR 4 के बारे में, जिसमें मैं मेनली आपको बताऊंगा GSTR 4 क्या है, किसके लिए एप्लीकेबल है, कौन इसको फाइल कर सकता है, क्या है इसकी ड्यू डेट, कैसे आप इसको फाइल कर सकते हैं। तो GSTR 4 के बारे में सब कुछ जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो पे। वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा ताकि आपको अच्छे से पता चल पाए GSTR 4 क्या है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं GSTR 4 की, जिसको कि हम GSTR 4 एनुअल रिटर्न के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, विद इफेक्ट फ्रॉम 1st of April 2019, ऑल द कंपोजिशन टैक्स पेयर्स आर रिक्वायर्ड टू फाइल फॉर्म GSTR 4 एनुअल रिटर्न ऑन एनुअल बेसिस फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं GSTR 4 की, ये एक एनुअल रिटर्न है जो कि भरनी होती है कंपोजिशन टैक्स पेयर्स को हर एक फाइनेंशियल ईयर के लिए। और ये GSTR 4 एनुअल रिटर्न जो एप्लीकेबल है वो 1st of April 2019 से एप्लीकेबल है। इसके बाद बात कर लेते हैं हु आर रिक्वायर्ड टू फाइल दी GSTR 4। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, वो सभी टैक्स पेयर जो अपने आप को कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर करा चुके हैं, उनके लिए ये GSTR 4 एनुअल रिटर्न एप्लीकेबल होगी। सो यहाँ देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। All the registered taxpayer who have opted for a composition scheme or were under composition scheme under GST for any period during a financial year starting from 1st of April 2019 need to file the form GSTR4 annual return. तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है, अगर कोई taxpayer जो कि composition scheme में किसी भी particular time period के लिए, जो कि start हुआ था financial year 1/4/2019 को और एंड हुआ है 31st मार्च 2020 को, तो अगर इस पीरियड के बीच में आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड रहे थे या आप रहे हैं, तो उस केस में आपको यहाँ पर GSTR 4 एनुअल रिटर्न भरनी पड़ेगी फॉर कंपोजिशन स्कीम। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए आप फाइनेंशियल ईयर 1920 में 3 महीने कंपोजिशन स्कीम में रहे थे, उसके बाद आपने ऑप्ट करके रेगुलर स्कीम ऑप्ट कर ली, या वाइस वर्सा, पहले आप रेगुलर में थे फिर आप कंपोजिशन स्कीम में ऑप्ट कर गए, तो उस केस में भी आपको यहाँ पर GSTR 4 एनुअल रिटर्न जो कि कंपोजिशन स्कीम के लिए एप्लीकेबल है वो आपको यहाँ पर फाइल करनी पड़ेगी। इसके बाद बात कर लेते हैं निल GSTR 4 के बारे में। तो वो टैक्स पेयर जो अपनी GSTR 4 निल की फाइल करना चाहते हैं, मतलब वो चाहते हैं कि उनकी GSTR 4 में कोई डेटा ना हो, एवरीथिंग इज निल, तो वो लोग अपनी GSTR 4 एनुअल रिटर्न को निल की फाइल कर सकते हैं। बट यहाँ पर आपको कुछ कंडीशंस पूरी करनी होंगी, तो देख लेते हैं क्या वो कंडीशंस है, क्या यहाँ पर लिखा हुआ है। निल फॉर्म GSTR 4 एनुअल रिटर्न कैन बी फाइल्ड फॉर द फाइनेंशियल ईयर इफ यू हैव फॉर ऑल द एप्लीकेबल क्वार्टर ऑफ द ईयर, फर्स्ट कंडीशन, नॉट मेड एनी आउटवर्ड सप्लाई, मतलब आपने पूरे साल में कोई भी आउटवर्ड सप्लाई ना की हो। सेकेंड, नॉट रिसीव्ड एनी गुड्स और सर्विसेज, आपने कोई गुड्स और सर्विसेज रिसीव भी ना किए हो। थर्ड, Have no other liability to report, आपके पास कोई और liability ना हो report करने के लिए। And fourth, have filed all the forms CMP 08 as nil. तो जैसा कि आप जानते हैं financial year 1920 के लिए जो पहले GSTR 4 के नाम से जानी जाती थी quarterly return, उसका नाम बदलकर यहाँ पर CMP 08 रख दिया गया था। तो यहाँ पर कहा जा रहा है अगर आपने पूरे साल की CMP 08 nil की फाइल करी है, मतलब आपकी कोई सप्लाई नहीं थी, कोई रिसीविंग नहीं थी, कोई लाइबिलिटी आपकी नहीं थी और आपने CMP 08 भी निल के फाइल करे हैं सभी क्वार्टर्स के लिए, तो उस केस में आप अपनी GSTR 4 एनुअल रिटर्न निल की फाइल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स ड्यू डेट की। सो GSTR 4 एनुअल रिटर्न, जिसकी वैसे तो ड्यू डेट होती है 30th of the month सक्सीडिंग द फाइनेंशियल ईयर और एज एक्सटेंडेड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो यहाँ पर जो फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए ड्यू डेट डिसाइड की गई है वो 31st of August 2020 है। तो अगर आपके ऊपर GSTR 4 एनुअल रिटर्न एप्लीकेबल है तो आप इसे 31 अगस्त 2020 तक फाइल कर सकते हैं, आपके ऊपर तब तक कोई लेट फीस और पेनल्टी चार्ज नहीं की जाएगी। सो अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो कि GSTR 4 से रिलेटेड है और हमें इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए जो कि GSTR 4 एनुअल रिटर्न से रिलेटेड है। सो सबसे पहला पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, फॉर्म GSTR 4 कैन बी फाइल्ड ओनली इफ ऑल एप्लीकेबल क्वार्टरली स्टेटमेंट इन फॉर्म CMP 08 ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हैव बीन फाइल्ड। तो जो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कही जा रही है वो ये है कि आप GSTR 4 एनुअल रिटर्न तभी फाइल कर पाएंगे
जब आपने अपने क्वार्टरली स्टेटमेंट जो कि CMP08 के नाम से जाने जाते हैं उन्हें आपने फाइल कर रखा है। इसके बाद GSTR4 एनुअल रिटर्न वंस फाइल्ड कैन नॉट बी रिवाइज, तो आप अगर एक बार ये रिटर्न फाइल कर देते हैं तो आप इसको रिवाइज नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आता है आफ्टर सक्सेसफुली फाइलिंग ARN विल बी जनरेटेड एंड इंटीमेटेड थ्रू ईमेल एंड SMS, तो ये तो नॉर्मल प्रोसेस है, जैसे ही आप अपनी कोई रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको ARN का इंटीमेशन दे दिया जाता है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी जैसे ही आप अपना GSTR4 एनुअल रिटर्न फाइल करेंगे तो यहाँ पर आपको उसके ARN इंटीमेशन आपके ईमेल पर और SMS पर भेज दी जाएगी। एंड इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, करेंटली द ऑनलाइन फाइलिंग हैज बीन अनेबल्ड ऑन द पोर्टल, शॉर्टली द ऑफलाइन टूल टू फाइल द फॉर्म ऑफ GSTR4 एनुअल रिटर्न विल ऑल्सो बी मेड अवेलेबल। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं अभी केवल ऑनलाइन मोड वहां पर एनेबल किया गया है जिसके थ्रू आप अपनी GSTR4 एनुअल रिटर्न फाइल कर सकते हैं, बट बहुत ही जल्द यहाँ पर ऑफलाइन टूल भी दे दिया जाएगा जिसके थ्रू आप अपनी GSTR4 एनुअल रिटर्न फाइल कर सकते हैं। फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट याद रखना है, ये जो GSTR4 एनुअल रिटर्न है ये आपके GSTR4 क्वार्टरली रिटर्न से डिफरेंट है। तो आपको जैसा कि याद होगा 1 अप्रैल 2019 से पहले जो आपकी क्वार्टरली रिटर्न हुआ करती थी उसको GSTR4 क्वार्टरली रिटर्न के नाम से जाना जाता था, जिसको 1 अप्रैल 2019 के बाद CMP08 का नाम दिया गया है। तो यहाँ पर आप ये डिफरेंस अच्छे से समझ लें कि GSTR4 एनुअल रिटर्न आपके GSTR4 क्वार्टरली रिटर्न जैसी नहीं है, ये दोनों अलग अलग रिटर्न्स हैं। सो GSTR4 क्वार्टरली रिटर्न जो कि पहले आप फाइल किया करते थे ऑन अ क्वार्टरली बेसिस, तो यहाँ पर GST की तरफ से ये क्लियर किया गया है फॉर्म GSTR4 क्वार्टरली रिटर्न इज एप्लीकेबल अप टू टैक्स पीरियड एंडिंग ऑन 31st of March 2019 फॉर कंपोजिशन टैक्स पेयर। सो GSTR4 क्वार्टरली रिटर्न 31 मार्च 2019 से पहले फाइल की जाती थी क्वार्टरली रिटर्न, और ये कंपोजिशन स्कीम वाले टैक्स पेयर फाइल किया करते थे जिसको कि उसके बाद CMP08 के नाम से जाना गया है। इसके बाद एक पॉइंट और यहाँ पर लिखा है इन्होंने, फॉर द टैक्स पीरियड टिल द क्वार्टर एंडिंग मार्च 2019 कंपोजिशन टैक्स पेयर आर रिक्वायर्ड टू फाइल फॉर्म GSTR4 क्वार्टरली रिटर्न विच इज ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन द GST पोर्टल ऑन क्वार्टरली बेसिस, वेयर एज फ्रॉम 1st of April 2019 Composition taxpayer are required to file form GST CMP08 on a quarterly basis. तो ये वही मैसेज है जो मैंने आपको बताया कि 1 अप्रैल 2019 से पहले आप जो क्वार्टरली रिटर्न भरते थे उसको GSTR4 क्वार्टरली रिटर्न कहते थे, लेकिन 1 अप्रैल 2019 के बाद उसको CMP08 के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो और ध्यान रखें कि GSTR4 एनुअल रिटर्न अलग है, GSTR4 क्वार्टरली रिटर्न अलग है। सो आई होप आपको समझ आया होगा GSTR4 एनुअल रिटर्न के बारे में जो डिपार्टमेंट की तरफ से आज एक अपडेट आया है। सो अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं अपनी GSTR4 को फाइल करने के लिए तो आप वेबसाइट पर जाके अपनी GSTR4 फाइल कर सकते हैं। ऑनलाइन यूटिलिटी वाला टूल ऑलरेडी एनेबल किया जा चुका है, ऑफलाइन यूटिलिटी का टूल थोड़े ही टाइम में अवेलेबल हो जाएगा। सो अगर आपको GST एंड इनकम टैक्स से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप मुझे अपनी क्वेरी ईमेल कर सकते हैं, इवन आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं फॉर बेटर इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे द्वारा लाई गई लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टाइम पर मिलती रहे। आप लोगों के लिए मैं GSTR4 एनुअल रिटर्न कैसे भरी जाती है उसका लाइव डेमो भी जल्द ही लेके आऊंगा अपने इसी चैनल पर, तो प्लीज चैनल पर बने रहिएगा एंड साथ में चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि और लोगों को भी मेरी इन वीडियोस का फायदा मिलता रहे। आज की वीडियो में केवल इतना ही था, जल्द ही मिलता हूँ एक नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।